नमस्ते, जेस रेसिपी 24 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल विदाउट तंदूर। हम घर पे ही बहुत ही ऑसम टेस्ट के साथ में पनीर टिक्का बना सकते हैं। तो चलिए इसे घर पे हम कैसे बनाएं, आसान टिप्स के साथ में मैं आज आपको इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से स्क्वायर कट में कट करके लिया है। साथ में मैंने लिया है पनीर, पनीर को भी मैंने इस तरह से थोड़ा मोटा काटा है, साथ में स्क्वायर कट में ही काटा है। दही पैच को हमें इस शेप में कट करके लेना है। बेसन, बेसन को मैंने हल्का भून लिया था, भूनते वक्त मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला। तो चलिए सबसे पहले हम मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। तो मैरिनेशन के लिए एक बर्तन ले, उसमें हम डालेंगे चाट मसाला, जीरा पाउडर, लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, भुना हुआ बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही। दही हमें यहाँ पे गाढ़ा लेना है और थोड़ा खट्टा लेना है। अगर दही खट्टा ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एकदम धुएंदार गर्मा गर्म तेल, इससे हमारे बैटर को बहुत अच्छा शाइनिंग आएगा, साथ में कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी इसका लाजवाब होगा। हम तेल को चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। वाव, देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह का हमारा बैटर होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर डालते वक्त यहाँ पे पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, पनीर में बिल्कुल भी पानी ना हो। प्याज, शिमला मिर्च सभी को डाल देंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हाथों से मिलाने से बैटर सभी चीजों को अच्छे से लग जाएगा। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। देखिए अभी आधा घंटा हो चुका है, सभी चीजें अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हैं और हमारा बैटर भी सभी चीजों को अच्छे से लग चुका है। अब हम इस तरह का बारबेक्यू स्टिक लेंगे, इसे स्क्वायर भी कहते हैं। इसमें हम हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो डालेंगे, पनीर, शिमला मिर्च, प्याज। आप यहाँ पे अपने पसंद अनुसार डाल सकते हो, जैसे भी आपको डालना है रैंडमली आप यहाँ पे डाल सकते हो। बस डालते वक्त ध्यान रखें स्टिक के अगला और पिछला जो हिस्सा है उसे छोड़ दें। बीच सेंटर में हमें इसे डालना है, हल्के हाथों से डालना है। इसी तरह से हम दूसरे स्टिक में भी हमारे मैरिनेट किए हुए वेजिटेबल्स डालेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। तो गैस पे हम इसे रोस्ट करेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और स्टिक को हम सभी साइड से घुमाते हुए हमारे वेजिटेबल्स को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। वाव, देखिए हमारे सारे वेजिटेबल्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, एकदम स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। अब मैं आपको एक आसान टिप्स बताती हूँ, अगर आपके पास स्टिक ना हो तो आप इसे नॉनस्टिक तवे पे भी बना सकते हो, सेम टेस्ट होता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो इस तरह से जो भी आप वेजिटेबल्स ले रहे हो उसे इस तरह से रख दें और थोड़े थोड़े देर में इसे पलटते रहिए। सभी साइड से हमें इसे पकाना है, रोस्ट करना है। देखिए पनीर टिक्का घर पे बनाना कितना आसान है, बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में।
हमारे पनीर टिक्की का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप भी इस तरह से पनीर टिक्का बना के देखिए। वाओ, एकदम स्मोकी फ्लेवर है और ऑसम टेस्ट के साथ में जबरदस्त पनीर टिक्का ये बना है। तो आप भी इसे जरूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्ते।